हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा रूमर्स फैलना स्टार्ट हो चुका है। ख़ास करके जो लोग इस वक्त इंडिया जाना चाहते हैं, उनमें ये रूमर्स चल रहा है कि जो भी इस वक्त इंडिया जाएगा उनको वहाँ पर जाके 7 दिन का क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, जो कि सरासर गलत है। 26 नवंबर को ओमिक्रॉन के वजह से WHO ने जब सीरियस कंसर्न अनाउंस करा, उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स को अलर्ट रहने के लिए कहा और इसके साथ साथ एक रिस्क कंट्री का लिस्ट भी दिया कि ये जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ से अगर कोई बंदा ट्रेवल करके आ रहा है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये रिस्क वाले कंट्री से आ रहे हैं और इनके वजह से ओमिक्रॉन वेरियंट इंडिया में फैलने का चांसेस है। कौन कौन से वो देश है मैं आप लोग को बताता हूँ, जिसमें UK भी शामिल है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, बोत्सवाना है, चाइना है, मॉरिटस है, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, इसराइल। इन देशों का पहले लिस्ट दिया गया था। इसके बाद कुछ दिल्ली ने बांग्लादेश को भी इंक्लूड करा, क्योंकि अगर आप ट्रैवल गाइडलाइन देखेंगे अलग अलग एयरपोर्ट्स की, दिल्ली की, मुंबई की, हैदराबाद की, तो आपको अलग अलग कंट्री के नाम मिलेंगे। दिल्ली में इन सारे देशों के अलावा बांग्लादेश भी मिलेगा आपको। अगर आप मुंबई का लिस्ट देखेंगे, मुंबई ने मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्री हैं सबको रिस्क वाले कंट्री का लिस्ट में शामिल करा, सिर्फ मुंबई ने। मिडिल ईस्ट में आता है गल्फ का सारा कंट्री, जिसमें सऊदी अरबिया, दुबई, कतर, कुवैत, सारे गल्फ के देश शामिल हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया कि गल्फ में जितने भी लोग रहते हैं वो अगर मुंबई जाते हैं, मुंबई एयरपोर्ट, तो उनके लिए थोड़ा सा परेशानी है। अब इन सारे एयरपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ को चेक किया जा रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रखी गई है, मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूँ। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो भी लोग इस वक्त फ्लाई करेंगे इंडिया के लिए, उनका बेसिक रिक्वायरमेंट ये रहेगा कि आपको एक नेगेटिव PCR टेस्ट के साथ में जाना पड़ेगा, जो कि आपका 72 घंटे के अंदर का कराया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आपको एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करके जाना पड़ेगा, वैक्सीन सर्टिफिकेट्स अगर आपने लिया है वो भी आपने साथ में कैरी करेंगे, वीज़ा और टिकट का कॉपी। इस वक्त आरोग्य सेतु ऐप को भी रिकमेंड किया जा रहा है, मैंडेटरी नहीं है बट ये हाईली रिकमेंडेड एप्लीकेशन है आरोग्य सेतु ऐप, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब अगर आप में से कोई भी बंदा प्लान कर रहे इंडिया जाने का, आप दिल्ली प्लान कर रहे हो या मुंबई या फिर हैदराबाद, तो ये भी चीज़ जानना आपको इम्पोर्टेंट है। अगर आप रिस्क कंट्री से जा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी वो सारे नाम्स बता दिए कि कौन कौन से कंट्री रिस्क वाले कैटेगरी में है एयरपोर्ट वाइज। मुंबई एयरपोर्ट ने कुछ ज़्यादा ही देशों को इस लिस्ट में रखा है, हैदराबाद ने और दिल्ली ने मिडिल ईस्ट के कंट्री को अभी तक इंक्लूड नहीं करा है, वो रिस्क वाले कंट्री में नहीं है। तो हैदराबाद और दिल्ली अगर आप लोग जाते हो तो वहाँ पे पहुँचने के बाद आपका PCR टेस्ट नहीं होगा, सबका नहीं होगा, रेंडमली सिर्फ 2% ही होगा, यानी 100 में 2 लोगों का वो रेंडम चेक करेंगे, इसमें कोई भी हो सकता है। अब PCR टेस्ट करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा, रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही आपको छोड़ा जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों का जो हाई रिस्क वाले कंट्री से नहीं जाएंगे। रैंडम 2 लोगों का PCR टेस्ट होने के बाद मान लीजिए वो नेगेटिव आ जाता है, तो रिपोर्ट आने के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, वो अपना घर को जा सकते हैं। अगर उसमें से कोई बंदा पॉजिटिव आ जाता है तो फिर सबको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, जो भी हॉस्पिटल फैसिलिटी होगी वहाँ आपको आपके खर्चे के अकॉर्डिंग क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है इसलिए भरवाया जा रहा है ताकि वो ट्रैक कर सके कि आपके साथ में और भी कितना बंदा था। तो गल्फ में जितने भी लोग काम करते हैं वो अगर हैदराबाद या दिल्ली जाता है तो फिर उनको ये कंसीडर किया जाएगा कि ये रिस्क वाले कंट्री से नहीं आ रहे, उनको उतना टेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बंदा मुंबई जाता है तो फिर उसको कंसीडर किया जाएगा कि आप रिस्क वाले कंट्री से आ रहे हो। और जो भी रिस्क वाले कंट्री से इस वक्त जाएंगे इंडिया में उनके साथ क्या होगा, आइए मैं वो भी बता देता हूँ। तो रिस्क वाले कंट्री से जितने भी लोग इस वक्त जाएंगे इंडिया, आपको पहले एयरपोर्ट में पहुँच के PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। एयरपोर्ट के अंदर ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है, सिर्फ आपको उसका चार्ज पे करना पड़ेगा।
पीसीआर टेस्ट करने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा आपका रिजल्ट का, आपका रिपोर्ट आएगा। अगर नेगेटिव आता है तो फिर आप छोड़ दिए जाओगे, आप जा सकते हो। अगर पॉजिटिव आता है तो फिर आपको हॉस्पिटल में जाके क्वारंटाइन होना पड़ेगा, आपका इलाज कराना पड़ेगा। अब इस पर भी रूमर्स चल रहा है कि वहाँ 6 से 7 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा आपका रिपोर्ट के लिए, उसके बाद ही कहीं पर जा सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर रैपिड पीसीआर टेस्ट का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको जल्दी निकलना है तो आप रैपिड पीसीआर टेस्ट कराइए, जिसमें आपको 1 से 2 घंटे में ही रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन इसका चार्ज ज़्यादा लगेगा। तीनों एयरपोर्ट्स का कंपेयर करते हैं कि कौन सा एयरपोर्ट में कितना चार्ज है। अगर हम मुंबई की बात करें, मुंबई में अगर आप नॉर्मल पीसीआर टेस्ट अगर कराते हो तो 600 रुपया इंडियन मनी में उसका चार्ज है। इसका रिपोर्ट आपको 8 घंटे के अंदर मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो मुझे जल्दी इसका रिपोर्ट मिले तो फिर आप रैपिड पीसीआर टेस्ट कराइए। इसका चार्ज 4,500 लगेगा, 1 से 2 घंटे में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप रिजल्ट में नेगेटिव हो जाते हो तो आप आराम से अपना घर जा सकते हो, बट आपको रिकमेंड किया जाएगा कि आप 7 दिन का क्वारंटाइन करिए, 8वें दिन आप पीसीआर टेस्ट करा के नेगेटिव होइए, उसके बाद ही कहीं पर जाइए। जो लोग रिस्क वाले कंट्री से जा रहे हैं उनके लिए ही। अगर हैदराबाद की हम कंपेयर करें तो हैदराबाद में पीसीआर टेस्ट का चार्ज है 999 रुपया, लगभग 1,000 रुपये, और इसका रिजल्ट आपको 6 घंटे के अंदर मिलेगा। अगर आपको जल्दी चाहिए रिपोर्ट तो फिर आप रैपिड पीसीआर टेस्ट कराइए, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उसका चार्ज वहाँ पे भी 4,500 ही है, और रैपिड पीसीआर टेस्ट का आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2 घंटे के अंदर। वहीं पर अगर हम दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर नॉर्मल पीसीआर टेस्ट अगर आप कराते हो तो 500 रुपया आपका चार्ज लगेगा, और इसका रिजल्ट आपको 6 से 8 घंटे के अंदर मिलेगा। अगर आप चाहते हो वहाँ पे भी जल्दी आपको रिजल्ट मिले तो रैपिड पीसीआर टेस्ट कराइएगा। 3,500 रुपये आपको चार्ज लगेंगे इसका, जो आपको 1 से 1.5 घंटे में 60 मिनट या 90 मिनट के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी अभी की रिक्वायरमेंट्स इंडियन एयरपोर्ट्स की। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद का मैंने एक्सप्लेन करा, क्योंकि ये एयरपोर्ट्स में ही ज़्यादातर लोग यहाँ से जाके सफ़र करते हैं। और अगर हम बात करें मुंबई एयरपोर्ट की, तो मुंबई ने मिडिल ईस्ट कंट्री के देशों को रिस्क वाले कंट्री में शामिल करके एक समस्या खड़ी कर दी है सारे लोगों को, कि वो अगर मुंबई जाते हैं तो उनको फालतू में एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं अपना ओपिनियन रखूं तो जितने भी इंडिया के एयरपोर्ट्स हैं सबको सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन देना चाहिए सारे एयरपोर्ट्स को, जिसमें रिस्क वाले कंट्री का नाम भी सेम हो और पीसीआर टेस्ट वगैरह का जो खर्चा है वो भी सेम हो। बट आप देख सकते हो सारे एयरपोर्ट्स ने अपने मन के मुताबिक रखा हुआ है, जिसमें आम लोगों को दिक्कत होती है। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।